रिलीज से पहले शाम मुंबई में फिल्म जुग जुग जियो की आखिरी स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें फिल्म की टीम के साथ साथ बॉलीवुड की कई हस्तियां भी शामिल हुई। पिछले चार दिनों से इस फिल्म के अलग अलग सितारे अपने अपने परिवार और खास दोस्तों के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग का आयोजन कर रहे हैं। अब फिल्म रिलीज हो चुकी है। मेगा स्टार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान मुंबई में एक डांस रिहर्सल हॉल में स्पॉट की गई। सुहाना यहां डांस की प्रैक्टिस करने आई थी। सुहाना बहुत ही जल्द पर्दे पर भी नजर आएंगी। इनकी डेब्यू फिल्म निर्देशक जोया अख्तर ने बनाई है। बॉलीवुड में अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवा चुके एक्टर पंकज त्रिपाठी की पत्नी भी अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। खबर ये है कि पंकज त्रिपाठी की पत्नी मृदुला त्रिपाठी फिल्म शेरदिल दा पीलीभीत सागा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं। इस साल मैन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब भारत के नाम हुआ है। इस पेजेंट को भारत के आदित्य खुराना ने जीत लिया है। आदित्य जब मैन ऑफ द वर्ल्ड का क्राउन पहनकर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, तब उनका जोरदार स्वागत हुआ। एक्टर अर्जुन कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनकी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा ने उन्हें एडवांस में बर्थडे गिफ्ट दिया है। अर्जुन कपूर ने सरप्राइज की तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है और एक नोट भी लिखा है, एक्टर अर्जुन कपूर का 26 जून को बर्थडे है। रणबीर कपूर की फिल्म शमशेरा का ट्रेलर देखकर फैंस खुशी से उछल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि फिल्म शमशेरा 500 करोड़ का कारोबार करेगी। चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं रणबीर कपूर और ट्रेलर में डकैत के किरदार में बेहतरीन लग रहा है उनका लुक। वहीं दूसरी तरफ दरोगा बने संजय दत्त भी हर बार की तरह अपने नेगेटिव रोल में छा गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों मालदीव पहुंच गई हैं छुट्टियां मनाने के लिए, जहां वो फुर्सत के पलों को एंजॉय कर रही हैं। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उन्हें होटल के कमरे के अंदर से बाहर समंदर में तैरते हुए पूल के खूबसूरत नजारों के साथ देखा जा सकता है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के फ्लॉप होने का दर्द इसके निर्देशक चंद्रप्रकाश द्विवेदी को रह रहकर सता रहा है। चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने एक वेबसाइट को दिए बयान में अक्षय का नाम लिए बिना ही कहा कि हमारे लीड एक्टर ने जो बयान दिए वो लोगों को पसंद नहीं आए और बॉयकॉट करने की मांग करने लगे। खबर ये है कि मशहूर रैपर रफ्तार अपनी 6 साल की शादी तोड़ने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि काफी समय से रफ्तार और कोमल बोहरा अलग अलग रह रहे हैं और 2020 में ही उन्होंने तलाक की अर्जी लगाई थी, लेकिन महामारी की वजह से तलाक में देरी हो गई है। अब बताया ये जा रहा है कि इसी साल 6 अक्टूबर को इनका तलाक होगा। दोनों ने 2016 में लव मैरिज की थी।